ओ भाई, आज तो 3D शोल्डर बन ही जाएंगे, और ना भी बने तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कार ड्रिफ्टिंग तो सीख ही जाऊंगा मैं। मशीन तो ये भी बहुत बढ़िया है, चलो ट्राई कर ही लेते हैं इसे भी एक बार, क्या होता है इसे शायद टेस्ट के लिए। बढ़िया पंप आ रहा है, फील तो बहुत अच्छा हो रहा है यार। कभी ना कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि एक छोटा बच्चा जब वो बहुत सारी चीजें खाने वाली देख लेता है तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हर चीज जो भी थाली में रखी है वो सबको वो खा सके, थोड़ा थोड़ा ही सही बट खा सके। उसी तरीके से एक बिगिनर भी है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बिगिनर क्या कर रहा है, उसे पता भी नहीं है वो कौन सा वर्कआउट कर रहा है, वो किस मसल के लिए है और उसे उससे क्या बेनिफिट या नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से जिस तरीके से उस छोटे बच्चे को नहीं पता है कि उसे थाली से कौन सी चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए और किस चीज़ से उसका पेट खराब हो सकता है, वही सेम चीज़ एक बिगिनर जिम में आने के बाद करता है। और आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और ये वीडियो बहुत ही खास होगी उन ट्रेनर्स के लिए भी और उन जिम गोअर्स के लिए भी जो कि नए नए जिम में एंटर कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बॉडी बनाने के लिए या फैट लॉस करने के लिए। तो आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आज जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो वेलकम आपका बिगिनर सीरीज पार्ट वन में, जिसमें आप जानेंगे कि आप वर्कआउट को किस तरीके से शेड्यूल करें। तो पहली चीज़ जो है, आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके हर वर्कआउट में, भले आप वेट ट्रेनिंग करें या रनिंग करें या फंक्शनल ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, उसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहली चीज स्टार्ट करनी है अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, उसे आपने बिल्ड करना है। तो उसे आप किस तरीके से करेंगे, वो आप अगर आपके पास पेन या पेपर है तो आप लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको करना क्या है, आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपने वीक में 7 डेज हैं और उन 7 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपने हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करना है और हफ्ते में ही 3 दिन आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। अब वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, इसमें आपने करना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वेट ट्रेनिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे कार्डियो की बात। तो कार्डियो में आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है, कार्डियो में आप बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेट बेरिंग इम्पैक्ट बेस। वेट बेरिंग इम्पैक्ट बेस मतलब हो गया ट्रेडमिल, रनिंग, स्किपिंग, ये सारी चीज़ें। आपके लोअर लिम्ब में आपकी अपर बॉडी का वेट, पूरी बॉडी का वेट रहता है और आप जब रनिंग करते हैं तो इम्पैक्ट यानी कि आपके पैरों का इम्पैक्ट फ्लोर पे रहता है, उसे हम कहते हैं वेट बेरिंग इम्पैक्ट बेस वर्कआउट। और आप कर सकते हैं नॉन वेट बेरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस यानी कि साइकिलिंग। साइकिलिंग पे वेट आपका साइकिल की सीट पे होता है और आपके पैर जमीन पे टकराते भी नहीं हैं क्योंकि वो साइकिल के पैडल पे कंसिस्टेंटली मूव करते हैं। और थर्ड हो गई वेट बेरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस जो कि है इलेक्ट्रिकल ट्रेनर यानी कि क्रॉस ट्रेनर, क्रॉस ट्रेनिंग। तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपकी बॉडी वेट आपके ऊपर रहते हैं लेकिन आपके पैरों में इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे वर्कआउट्स हैं और भी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, लेकिन आपको चूज करना है लो इंटेंसिटी क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। तो एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के मैक्सिमम हार्ट रेट का, वो आप कैसे जानेंगे, 220 माइनस योर एज, 220 से अपनी एज को माइनस कर दें तो वो जो निकलेगा वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा। वो मैक्सिमम हार्ट रेट तक आपने नहीं पहुंचना है किसी भी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वर्कआउट को करते हुए, यानी कि अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट क्रॉस नहीं हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने में या टारगेटेड हार्ट रेट निकालने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आपका टारगेट हार्ट रेट बता दूंगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको वर्कआउट सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सी मशीन्स को सिलेक्ट करें। तो पहली 3 चीज़ें जो आपको बताऊंगा, आप 3 मशीन्स को चूज़ कर सकते हैं बिगिनर के लिए, वो है ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर एंड साइकिलिंग। ये तीनों बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इससे भी बढ़िया है कि आप स्विमिंग करें तो वो और भी अच्छा है। ऐसे तो बहुत सारे कार्डियो वर्कआउट्स हैं जो आप जिम में भी कर सकते हैं, एट होम भी कर सकते हैं, बट हम जिम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बात करेंगे ट्रेडमिल की। ट्रेडमिल जो है वो है इम्पैक्ट बेस एंड वेट बेरिंग, आपकी बॉडी का वेट आपके लोअर लिम्स पे होता है और आपके पैर इम्पैक्ट करते हैं फ्लोर से।
और दूसरे नंबर पे आती है इलेप्टिकल ट्रेनर, जिसमें होता है कि आपकी बॉडी का वेट आपके लोअर लिम्स पे तो ज़रूर है बट आपके पैरों को इम्पैक्ट नहीं लग रहा है फ्लोर में, क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स है। तीसरी चीज़ जो है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग है नॉन वेट बेयरिंग, नॉन इम्पैक्ट बेस्ड, यानी कि साइकिल पे आपका बॉडी का वेट है और आपके पैर भी जमीन से नहीं टकरा रहे हैं, तो वो नॉन वेट बेयरिंग नॉन इम्पैक्ट बेस्ड है। तो आप इन चीज़ों को शुरू करें, यानी कि 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट इलेप्टिकल ट्रेनर एंड 10 मिनट ही साइकिलिंग। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चीज़ों को आप धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएं। 50-60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट आप इसे लेके जाएं, उससे ज़्यादा आप नहीं लेके जाएं, और एक महीने तक एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन करके आप इस ट्रेनिंग को फॉलो करें। तो वेट ट्रेनिंग को भी आपने इसी पैटर्न में फॉलो करना है, आपने स्प्लिट ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपने हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है हफ्ते में 3 दिन। और ध्यान रखें, आप वर्कआउट को बहुत तरीके से सेलेक्ट करें। अगर आपको वर्कआउट की नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं बहुत सारे वर्कआउट, किस तरीके से वर्कआउट को परफॉर्म करना है वो सारी वीडियोज इसमें अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है वर्कआउट किस तरीके से सेलेक्ट करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि बिगिनर को किस किस तरीके से वर्कआउट करने चाहिए और कौन से सेलेक्टिव वर्कआउट वो इस्तेमाल करें जिससे उनको बेनिफिट मिले। तो आपने हफ्ते में 3 दिन करके कार्डियो करना है और 3 दिन करके वेट ट्रेनिंग करनी है और इसी रिजीम को आप एक महीने तक फॉलो करें। बिगिनर सीरीज 1 का मुद्दा यही था कि आप जान सकें कि आपको फर्स्ट 1 मंथ क्या करना है। सेकेंड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आपको बहुत जल्दी जानने को मिलेगा कि आपने आफ्टर 1 मंथ आप वर्कआउट को किस तरीके से स्प्लिट करें, किस तरीके से अपने वर्कआउट को चेंज करें। तो आप फैंसी वर्कआउट से बचें और ड्यान रखें अपने शरीर का, मोबिलिटी ड्रिल्स जरूर परफॉर्म करें वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, और वर्कआउट एंड होने पे आप स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करें। और अगर आप स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी ड्रिल में आपको दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।